नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सरकारी योजनाएं हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए हिंदी में। तो आज की जो हमारी योजना है वह है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसे नामसा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस योजना को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं पहले कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो कृषि है उसको अधिक टिकाऊ बनाना है, साथ ही उत्पादकता है उसको बढ़ाना है, और जो पारिश्रमिक और जलवायु को लचीला बनाना के लिए इस योजना को लाया गया है। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे जो किसान खेती करते हैं तो उसमें जो रासायनिक उर्वरक दवाइयाँ हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं या फिर रासायनिक खाद है, इन सब का उपयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वह तो खराब होती ही है, साथ ही जो जलवायु है उसको भी नुकसान होता है। तो इन सब का यहाँ पर निपटान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। साथ ही आप देखिए मिट्टी है और नमी संरक्षण, मिट्टी है जो इसका संरक्षण होगा और जो नमी है उसको बरकरार रखा जाएगा, जो प्राकृतिक संसाधन है इनका संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो व्यापक मृदा प्रबंधन प्रथाओं है को अपनाना है। अब देखिए अगर यहाँ से हम खेती का बदलाव करते हैं तो हम अपनी दूसरी जो प्रथा है, पारंपरिक जो प्रथा है उनको अपनाएंगे, ताकि जो पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी जिसमें हम जैविक खाद का उपयोग करते थे और जो प्राकृतिक जल साधन स्रोत थे उनका उपयोग करते थे, कुओं का, तालाबों का, जिससे कि पानी भी यहाँ पर पानी की जो कमी आ रही है उससे भी यहाँ पर निजात पाई जाती थी और भी यहाँ पर फायदे होते थे और जो मिट्टी है उसको भी यहाँ पर उपजाऊ बनी रहती थी और इससे फसल भी अच्छी उगती थी। तो इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो सतत कृषि विकास मिशन है जलवायु परिवर्तन की जो राष्ट्रीय कार्य योजना है इसके तहत, तो इसका जो 8वां मिशन है वह है सतत कृषि मिशन। तो इस मिशन को प्राप्त करना है, इस उद्देश्य को प्राप्त करना है इस योजना का लक्ष्य। साथ ही हमने जैसा अगले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था परंपरागत कृषि विकास योजना, तो उससे मिलती जुलती योजना है लेकिन इसमें कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आप देखें तो सतत विकास पथ को अपनाने के माध्यम से इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता, मैनेजमेंट, पोषक प्रबंधन और आजीविका विविधीकरण के मुख्य आयामों को पूरा करना है। तो हम जहाँ पर इस सतत कृषि मिशन को अपना रहे हैं तो इसका उद्देश्य यह है कि जो सतत विकास का पथ है इसके माध्यम से हम जो इफिशियंसी है, जल उपयोग है, जैसे कि आज के समय में खेती से एक मिनिमम लेवल पर ही या फिर मैक्सिमम लेवल पर कुछ फसल निकल पाती है जो कि सफिशियंट नहीं है, तो उसकी इफिशियंसी है, उत्पादकता है, इसको बढ़ाया जाए। साथ ही जो जल आज के समय में प्रदूषित हो रहा है और जो नीचे जा रहा है जल स्तर, उसको भी बरकरार रखा जा सके। साथ ही जो फसल उगती है वह आज के समय में बहुत हानिकारक होती है मनुष्यों के लिए, क्योंकि जो अनाज आता है हम उसे खाते हैं और वह जो रासायनिक दवाओं का उपयोग होता है इनमें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो पोषक तत्व नहीं रहते उनमें। तो इस तरीके से जो पोषक तत्व रहेंगे उनका प्रबंधन भी करना है, साथ ही आजीविका विविधीकरण के प्रमुख आयामों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा देखें आप इसके जो मुख्य घटक हैं इनको जान लेते हैं हम। तो देखिए वर्षा आधारित क्षेत्र, तो इस क्षेत्र से क्या मतलब है, तो ये ऐसी जगह पर इस योजना का लाभ देना है जैसे वर्षा आधारित क्षेत्र रहता है जहाँ से सिर्फ पानी से खेती की जाती है, बारिश के पानी पर यहाँ पर निर्भर करते हैं। जैसे आप देखेंगे अपना दक्षिण भारत, तो जहाँ पर तमिलनाडु हो गया या फिर ऐसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ऐसे राज्य ही है जहाँ सिर्फ बारिश से पानी आता है और उससे ही यहाँ पर खेती की जाती है। तो इस पानी को यहाँ पर संरक्षित करना है और हर खेत तक पहुँचाना है और एक एक बूंद का उपयोग करके यहाँ पर खेती में लगाकर इसका उपयोग करना है। तो इसलिए इसका कहा जा रहा है कि बारह जो वर्षा आधारित क्षेत्र है ऐसे में इसका विकास करना है। फिर इसके बाद इसी के तहत ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट यानी कि कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल, इसके अंतर्गत आता है। तो जो हम योजनाएं डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसा कि हम कृषि विकास योजना है, जो सिंचाई योजना है इसको डिस्कस कर चुके हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना है इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप इसको थोड़ा समझ के चलें। साथ ही यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है साइड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, इसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है,
क्योंकि जो मिट्टी है इसकी उत्पादकता कम होती जा रही है, क्योंकि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, जो रासायनिक खाद है इनका उपयोग किया जा रहा है, जो कि हमारी जो मिट्टी है इसकी उत्पादक क्षमता या उपजाऊपन को नष्ट कर देता है। तो इससे बचाना इस योजना का लक्ष्य है। यहाँ पर साथ ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज के समय में, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मतलब है कि आज के समय में जो आवश्यकता है इसको पूरा किया जाए और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी बचा के रखा जाए। तो इस उपलक्ष्य में यह योजना लाई गई है। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्क को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसका मॉडल कैसा होना चाहिए और इसका नेटवर्क कैसा रहना चाहिए। इसके अंदर कुछ सब मिशन भी हैं, जैसा कि देख सकते हैं नेशनल बांस मिशन। तो इस योजना के अंतर्गत छोटे छोटे से मिशन और रखे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, तो इसको भी रखा गया है, क्योंकि आज के समय किसान सिर्फ खेती पर डिपेंड करते हैं और जो फसलें हैं उनको उगाते हैं, लेकिन आज के समय में जंगल है या फिर और भी जो अलग से योजनाएं हैं वहां से भी खेती की जा सकती है, जैसा कि हमारे पूर्वज किया करते थे, तो इन सब को यहाँ पर किया जा सकता है। तो इन सब जो खेती के प्रकार हैं इन पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा देखें आप तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है असम वगैरह, तो इस वाले क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इसके तहत एक मिशन बनाया गया है। तो जो ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है तो उसको समझ लेते हैं। तो एक ऐसा चेन डेवलपमेंट है कि देखिए, मान के चलिए यहाँ पर खेती की जा रही है, ये हमारी सॉयल है, तो यहाँ पर खरीददार पहले से आएंगे, यहाँ पर आपको पैसा दिया जाएगा किसानों को कि आप इस तरह की खेती करें, और आपको जो खेती करेंगे जो फसल उगेगी इसके प्राइस पहले बता दिए जाते हैं, तो सिक्योरिटी रहती है। तो यहाँ पर इन किसानों को दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, बीज उपलब्ध कराया जाता है, खाद उपलब्ध कराया जाता है जो कि जैविक होता है, फिर उसके बाद फसल होती है, तो फसल के लिए यहाँ पर कटाई के लिए यहाँ पर संसाधन प्रोवाइड कराए जाते हैं, फिर जब ये कट जाती है फसल, तो इसको यहाँ पर दूसरी जगह से ऐड कर देते हैं या फिर यहाँ से मार्केट तक भेजा जाता है इनके द्वारा। तो इस तरह से पूरी चेन चलती है। तो इस चेन को यहाँ पर डेवलप करना है ताकि किसानों को यहाँ पर और ज़्यादा आसानी हो। इसके अलावा उपभोक्ताओं के साथ उत्पादों को जोड़ना और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करना है। तो जहाँ से आप देखेंगे यह चेन चल रही है, यहाँ पर किसान फसल उगा रहा है, इसको बेचा जा रहा है, यहाँ तक दूसरे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो इस चेन को यहाँ पर पूरा करना इसका उद्देश्य है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो किसानों की जो आय है वह तो डबल होगी ही, साथ ही हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको भी रोक सकेंगे, और जो हमारी स्वास्थ्य पे जो नुकसान होता है उस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा रहा है, और जो इसके सतत विकास लक्ष्य है उसके अंतर्गत इसे रखा जा रहा है। तो यह हमारी छोटी सी योजना थी, कई योजनाओं से मिलकर बन रही हैं योजनाएं, थोड़ा थोड़ा चेंज बस हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन सी योजना किस से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी यहाँ पर पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वीडियो के अंतर्गत तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पर फायदा हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।